स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम एनिमेलिया किंगडम के तीन सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटी एलिमेंथीज। आइए आज हम जाने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निमेटोडा। निमेटोडा का एक एग्जांपल होता है एस्केरिस। एस्केरिस के फिगर को देखकर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। जो निमेटोडा होते हैं उनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मीनिंग होता है इनकी बॉडी को टू इक्वल हाफ में बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इनकी जो बॉडी होती है निमेटोडा के एनिमल्स की वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। सेकंड करेक्टरिस्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग होता है इनकी बॉडी में थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। वन लेयर ऑफ सेल इज इनर लाइनिंग एंड सेकेंड लेयर ऑफ द सेल्स इट मेक्स द आउटर लाइनिंग ऑफ द बॉडी एंड थर्ड लाइनिंग ऑफ द सेल्स मेक्स द मिडल लेयर ऑफ द बॉडी। जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स है, ये कुछ हद तक टिश्यू फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है बट नो रियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फॉर्मेशन इज प्रेजेंट बट नो रियल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, टिश्यू फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इनकी बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। सिलिंड्रिकल का मतलब सिलेंडर की शेप में इनकी बॉडी होती है, एक बेलनाकार हम शेप में कह सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इनकी बॉडी में होते हैं वो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोपोडिया आर प्रेजेंट। स्यूडोपोडिया का मतलब फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट। एक्चुअल सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती लेकिन सीलोमिक कैविटी टाइप का कुछ ऑर्गन, बीचों बीच सीलोमिक कैविटी टाइप का कुछ ऑर्गन होता है, एक्चुअल सीलोम प्रेजेंट नहीं होते। आइए अब निमेटोडा के कुछ एग्जांपल्स जानने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम कह सकते हैं फाइलेरियल वर्म। एलिफेंटियसिस नाम की एक डिजीज होती है वो इस फाइलेरियल वर्म से ही होती है। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल ले सकते हैं एस्केरिस। नेक्स्ट राउंड वर्म। नेक्स्ट वुचरेरिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं निमेटोडा के। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेलिया किंगडम के अदर सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।